गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो टुडे वी हैव अ न्यू स्टूडेंट अंश जैन। वेलकम अंश। गुड मॉर्निंग अंश, मेरी आवाज आ रही है? अंश जैन, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? I think Ansh is not connected to audio. Ansh, अपने मोबाइल फोन के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे ऑडियो कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है, उससे आप ऑडियो को कनेक्ट करो। ठीक है, अगर कोई अंश का फ्रेंड है तो प्लीज उसको गाइड कर सकता है कि कैसे हमको ऑडियो से कनेक्ट होना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो कल का होमवर्क कर लिया सभी ने? यस सर। देखो मेरे पास श्रेष्ठ का होमवर्क नहीं पहुंचा। श्रेष्ठ, आप होमवर्क क्यों नहीं सेंड करते हो मुझे? मैंने आपको बताया था ना, वो वीडियो नहीं। आपने बताया था कि क्या बताया था, प्लीज फिर से बता दो। कल आपने वो होमवर्क दिया था ना मेरे को? हाँ हाँ। उसकी वीडियो नहीं मिली, मैंने ढूंढा था। उसकी वीडियो नहीं मिली? मुझे एक चीज बताओ, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है लर्नर्स एकेडमी निवाई से, निवाई का जो? तो फिर जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो नहीं मिलने का तो सवाल ही नहीं होता है। बाकी बच्चे आप बताओ, बाकी बच्चे जितने भी, सबको वीडियो मिलती है? यस सर। यस सर। देखो दो तीन ऑप्शंस हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने सब्सक्रिप्शंस में जाना, आप यूट्यूब ओपन करेंगे, आप आपके सब्सक्रिप्शंस में जाएंगे। तो सब्सक्रिप्शंस में जाते ही आपने जितने भी चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं सबकी लिस्ट आ जाएगी, उसमें हमारा वाला जो चैनल है उसको क्लिक कर देना। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी सारी वीडियोज खुल जाएंगी और हमारी लेटेस्ट वीडियोज जो हैंड टू हैंड अभी अपलोड हुई है लेटेस्ट में, वो तो ऊपर ही ऊपर मिलती है, अक्सर ऊपर ही ऊपर मिलती है वो जो अभी रिसेंट में अपडेट हुई है। चलो एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये कि श्रेष्ठ आप बताओ, आप टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़े हुए हो क्या, हमारे क्लास 9th के टेलीग्राम ग्रुप से? नो सर। नो। तो पहला काम आपको आज जो करना है वो ये करना है कि क्लास 9th के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर जाकर एक हाई का मैसेज करेंगे और अपना नेम एंड क्लास एंड ये जो नया स्टूडेंट है, क्या नाम है? अंश। अंश आपको भी ये करना है, एक हाई का मैसेज करके अपना नाम लिखना है और क्लास लिखनी है। तो आपको मैं क्लास 9th के ग्रुप से कनेक्ट कर दूंगा तो उसमें लिंक आ जाती है डायरेक्ट। उसमें जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो एक लिंक आ जाती है, बस उस लिंक पे आपको क्लिक करना होता है एंड यू विल डायरेक्टली बी टेकन टू द वीडियो विच हैज बीन रिसेंटली अपलोडेड। सीधे आपको उस वीडियो लिंक पे ले जाएगा, उस लिंक पे बस क्लिक करनी है आपको। तो वो लिंक उस ग्रुप में आती है जो 9th का ग्रुप है, उस ग्रुप में बाकी सब बच्चे ऐड हो रहे हैं, केवल श्रेष्ठ आप ऐड नहीं हो रहे हो। तो आप मेरे को आप मैसेज करोगे तो मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है? ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए कि वीडियो नहीं मिला इसलिए होमवर्क नहीं किया। ओके, अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को कॉल करो, मेरा नंबर भी है सबके पास, लो फिर से नोट डाउन कर लो अगर किसी के पास नहीं है। किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी टाइप का, कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, वीडियो नहीं मिल पा रही है, या फिर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप डायरेक्ट मेरे को कॉल करो, सीधे कॉल करोगे सर ये दिक्कत है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे। नोट कर लो सब लोग बच्चे, सीधे मेरे को कॉल करोगे श्रेष्ठ। ठीक है, चलो। तो बाकी बच्चों ने कर लिया होमवर्क? देखो yes. ये रूट 7 का स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं, कल मैंने ग्रुप में भी डाला था, कई बच्चे गलत कर रहे थे। रूट 7 का होल स्क्वायर आप ऐसे लिखोगे, आप लोग कैसे कर रहे थे? रूट 7 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर किसका है, रूट का है, 7 का है, या दोनों का है? तो ये दोनों का है ना, तो एक ब्रैकेट लगाना है। ठीक है बच्चों? ठीक है ना? ठीक है क्या? ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। मार्क करो, हेडिंग डालो बिल्कुल फ्रेश पेज से, बिल्कुल नए पेज से हेडिंग डालो। हाँ बोलो बेटा। मेरे को ये रेशनलाइज़ का डिनोमिनेटर ये वाला कैसे?
नहीं आया। कौन सा वाला नहीं आया इसका? समझ का आया ही नहीं कोई सर। कल आप थे क्या क्लास में? यस सर। कल आप क्लास में थे तो एक बार आप आज कल वाली वीडियो को फिर से रिवाइज करो, और फिर भी नहीं आता है तो कल मुझे बताना। आई होप या आई थिंक कि जब आप उस वीडियो को फिर से देखोगे, एक बार फिर से रिवीजन करोगे तो आपको आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है, लास्ट का पार्ट देख लेना, रैशनलाइजेशन जो लास्ट के 5-10 मिनट में हमने किया था, फिर से इस वीडियो को वॉच करना। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं कल फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा पूरी क्लास को, पर एक बार अपने आप करने की कोशिश करो, ठीक है? यस सर। तो अभी क्लास खत्म होते ही मुझे आप मैसेज करोगे तो मैं आपको हैंड टू हैंड लिंक दूंगा ना, ठीक है? सर टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है? टेलीग्राम एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड करो पहले, जैसे व्हाट्सएप होता है। प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम एक ऐप होता है, उस ऐप को डाउनलोड करो, उसमें मैसेजिंग सर्विसेज होती है जैसे व्हाट्सएप पे होती है। फिर टेलीग्राम पे आपने मेरा नंबर सेव किया है अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो मैं आपको उधर शो करूंगा टेलीग्राम में, उधर मुझे मैसेज करना, ठीक है? ओके सर। चलो तो अभी अपन शुरू करते हैं नया टॉपिक। अंश, हमने बिल्कुल नया टॉपिक शुरू किया है आपके लिए ताकि आपको बिल्कुल सब समझ में आए। अंश, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, तो पहले आप शायद ऑडियो से कनेक्टेड नहीं थे, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे बटन होता है, उसको क्लिक करके अपन ऑडियो से कनेक्ट हो जाते हैं ना, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। आप रोहित के ब्रदर हो अंश, जो रोहित आता था पहले? यस सर। ओके, कौन से स्कूल से हो बेटा? इमानुएल। इमानुएल, तो इमानुएल का और कौन है भाई हमारे यहाँ पे? इमानुएल के कौन कौन हो गया? एक तो अंश इमानुएल से हो गई, शिखी आप भी इमानुएल से हो? यस सर। श्रेष्ठ, आप भी इमानुएल से हो? अच्छा, आप टिंकल वेल से। यश, आप तो शायद मॉडल स्कूल से हो? यश नो सर। तो मैनुअल से हो? आप कहाँ से हो यश? यश जैन कौन से स्कूल से हो बेटा? सर हम पहले एपी किड्स में थे जो 8th स्टैंडर्ड तक थी, अब हम बीडीपीडीएस में जाएंगे। अच्छा, अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया? ठीक है, तो बीडीपीडीएस के बच्चे हैं हमारे पास, यश जैन, हितेंद्र बीडीपीडीएस से शायद जितना मुझे ध्यान है, सौम्या भी बीडीपीडीएस, तो बीडीपीडीएस एंड टिंकल बेल एंड इमैनुअल हमारे पास, मतलब मॉडल का अभी तक एक भी स्टूडेंट नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। यहाँ पे हमको चार लॉ सीखने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगले पेज पे दिए हुए हैं, इन चार लॉ को हमको अच्छे से सीखना है। देखिए लॉ नंबर वन, अगर हमारे पास, सबसे पहले तो ये बताओ एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट? डज एनीवन नो एक्सपोनेंट क्या होता है? बोलो हितेंद्र। पावर लगती है। पावर, वेरी गुड सोम्य, पावर। जो पावर अपन लगाते हैं जैसे 3 की पावर 2, 7 की पावर 3, तो ये ऊपर जो उसकी चोटी पे जाके बैठ गया, उसकी टांट पे जाके, दिस इज एक्सपोनेंट, दिस इज एक्सपोनेंट। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अंश, अंश एक चीज याद रखना, जो भी हमने रेड इंक से लिखा हुआ है वो सब आपको नोट करना है, और जो भी हम ये ब्लू इंक से, जो भी हम आपको समझाने के लिए करते हैं, इनमें से आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, ये आपको केवल सिखाने के लिए, ठीक है ना? और रेड इंक वाला सब आपको नोट डाउन करना है, ठीक है बच्चे? कोई डाउट? ओके, तो लॉ नंबर वन, अब जो भी हम पावर लगाते हैं जैसे 3 की पावर 7 लगाती, 7 की पावर 2 लगाती है, जितनी भी एक्सपोनेंट्स हम उनकी टाट पे बिठा देते हैं, इन एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जो हमको फॉलो करने हैं। तो वो नियम कायदे कानून ही आपको इस आज की क्लास में हम सिखाएंगे। तो पहला कायदा कानून नंबर वन है कि a की पावर m डॉट, डॉट का मतलब हमेशा इनटू होता है, तो ये लो मैं इनटू लिख देता हूं, आप डॉट से कंफ्यूज ना हो जाए, इनटू a की पावर n इक्वल टू क्या होता है? a की पावर m प्लस n। सुनो, समझो पहले ध्यान से, देखो नीचे बेस में, देखो जब भी मैं लिखता हूं जैसे 7 का क्यूब, तो ये जो नीचे बैठा है इसको हम कहते हैं बेस, दिस इज अवर बेस, एंड दिस इज अवर पावर कह दो या एक्सपोनेंट कह दो, ठीक है बेटा?
ठीक है? यस सर। दिस इज बेस, दिस इज एक्सपोनेंट। बेस समझ गया ना, बेस यानी आधार, ये नीचे है बेस, ठीक है? बेबी को बेस पसंद है, वो वाला बेस नहीं है ये, ठीक है ना? ये दूसरा बेस है, वो वाला बेस, ये वाला बेस होता है जो साउंड वाला बेस होता है वो पसंद है बेबी को, ये वाला बेबी को ये बेस पसंद नहीं है, ये आपको पसंद होना चाहिए। तो ये बेस एंड दिस इज एक्सपोनेंट। तो अगर हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, और उनका बेस सेम है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी सेवन, यहाँ पे भी सेवन, और उनकी पावर अलग अलग है, एम और एन, दो अलग अलग पावर है, मान लो ये थ्री है और ये टू है, तो आप इन दोनों को अलग अलग मल्टी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे सेवन का क्यूब आपको पता नहीं होगा शायद, 343 होता है, अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, और सेवन का स्क्वायर 49 होता है, तो आप इसको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप कॉमन बेस ले लो, जो दोनों का बेस आ रहा था ए, और ऊपर पावर्स को ऐड कर दो, 3+2 क्या आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा। समझ में आया लॉ नंबर वन? बताए सर, कायदा कानून नंबर वन सबको अच्छे से समझ में आया? बोलो गर्ल्स, शिखी आप बताओ। यस सर। अच्छे से आया? यस सर। बोलो सौम्या। यस सर। ठीक है सर, इसमें पावर का सम हो जाता है, पावर का सम हो जाता है, बट द मेन थिंग इज कि बेस सेम होना चाहिए, ये बेस सेम होना चाहिए। अगर ये बेस अलग अलग है तो नहीं होगा सम, फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर तो अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई करो। दो चीजें, एक तो पावर सेम होनी चाहिए, दूसरी चीज बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। ये दो चीजें मिल जाए, आप कुछ मत करो, अब पावर को ऐड कर दो, सम कर दो उसका। समझ गए? यस सर। अब इसी का उल्टा देखो, अगर डिवाइड हो, देखो मैं साथ में ही इसके का डिवीजन वाला लॉ करवा रहा हूं, ताकि बिल्कुल दोनों एक साथ होंगे तो समझ में भी आएगा। अगर ए की पावर एम को डिवाइडेड बाय ए की पावर एन कर दूं, तो आप मुझे एक चीज बताओ, मल्टीप्लाई का उल्टा ऑपरेशन डिवाइड होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है। तो जो ऊपर हो रहा है उसका उल्टा यहाँ होगा नहीं होगा? अगर इधर उल्टा किया है तो उधर भी उल्टा होगा, तो वहां पे पावर्स जोड़ी थी, तो यहाँ पे पावर्स क्या करोगे, क्या करोगे, माइनस। तो इट विल बिकम ए की पावर एम माइनस एन। इजी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं इसका। मान लो कि मैंने लिखा 7 की पावर 5 और नीचे लिख दिया 7 का क्यूब। आपने देखा यार सर ने सेम बेस लगाया, तो मैं भी वही बेस लिख देता हूं, और पावर्स का डिफरेंस कर दो, 5 - 3 कितना होगा, आंसर इज 7 का स्क्वायर यानी कि 49। समझ आया? यस सर। और देखो इसको अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करते, ये लॉ नहीं लगाते कि सर हमको लॉ समझ में नहीं आ रहा, आप तो ट्रेडिशनल तरीके से सिखाओ, ये लो साहब ट्रेडिशनल तरीके से देख लो। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करता तो 7 की पावर 5 को क्या लिखता, 7 × 7 × 7 × 7 × 7, 5 × 7, यस और नो? यस सर। एंड 7 क्यूब को क्या लिखता बोलो, 7 × 7 × 7, यस और नो? यस सर। तो 3 7 तो उड़ा दो, तो 2 7 बचेंगे, आंसर वही आएगा, यस और नो? यस सर। तो समझ में आ रहा है ना, देखो लॉ काम करता है, जो हमने लॉ सीखा है वो ऐसे हवा में नहीं है, वो काम कर रहा है, चाहे आप ट्रेडिशनल तरीके से करके देख लो तो भी आंसर मैच करता है। तो ये दो लॉ क्लियर हैं सबको, तो चलें अगले लॉ। यस सर। यस सर। ओके, तो लॉ नंबर 3, हालांकि आपकी बुक में ये लॉ नंबर 3 है जो अभी मैंने बताया, लेकिन मैंने इन दोनों को साथ में इसलिए लिखा ताकि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड। देखो यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है, तो ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये है कि m शुड बी ग्रेटर देन n। जब भी अपन डिफरेंस निकालते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना, छोटे में से बड़े को थोड़ा माइनस करते हैं, बताओ? यस सर। ठीक है, तो यानी कि ये m बड़ा होना चाहिए और ये n छोटा होना चाहिए, तभी आप m माइनस n करोगे, इसलिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, m शुड बी ग्रेटर देन n। तो इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह मानना, ऐसे मत सोचना कि यार ये क्या अलग से चीज देती, इसको तो देखो मैंने तो लिखवाया भी नहीं है, ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है ना? वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि m शुड बी ग्रेटर देन n। चलो हम लॉ नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। देखो ये क्या कहता है, लॉ नंबर 3 सेज कि अगर किसी बेस की पावर लगा दो, एक्सपोनेंट लगा दो, और उसकी एक और एक्सपोनेंट लगा दो, फॉर एग्जाम्पल आपने किया साहब 2 का क्यूब, आंसर आया 8,
एट का वापस स्क्वायर कर दिया, आंसर आया 16, मतलब 2 के क्यूब का स्क्वायर कर दिया आपने, 2 के क्यूब का स्क्वायर 64 आएगा, सॉरी बिल्कुल 64 आएगा। हाँ, तो आपने अगर 2 के क्यूब का स्क्वायर कर दिया तो इसको आप सम अप करके ऐसे कर सकते हो कि 2 की पावर 3 2 जा 6 कर दो, देखो वही 64 आता है, आता है नहीं आता है, यानी पावर के ऊपर पावर, पावर पे पावर, डबल पावर ऐसे मान लो। तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर्स हैं उनका प्रोडक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट समझते हो, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो इट विल बी ए की पावर एम एन, एम एन मीन्स एम इंटू एन, चलो मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ, एम इंटू एन, कन्फ्यूज ना हो जाना, ए की पावर एम इंटू एन, इज दैट क्लियर? यस सर, सबको समझ आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो हमको आगे क्लास 10th 11th एंड फर्दर 12th हर जगह काम आएंगे, अगर आप मैथमेटिक्स चूज करते हो बाद में तो हर जगह काम आएंगे, है ना। एंड लॉ नंबर 4 फाइनली, ये क्या कहता है कि सर अभी तक तो आपने सारे लॉज वही करवाए हैं जिसमें बेस सेम है, लेकिन अगर बेस अलग हो गया तो, अगर बेबी को बेस पसंद नहीं आया और उसने अलग कर दिया तो, फॉर एग्जाम्पल, और बेस सेम होकर पावर, बेस अलग होकर पावर सेम हो जाए, देखो इन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अभी जो मैं लॉ नंबर 4 कर रहा हूँ वो फर्स्ट का जस्ट उल्टा कर रहा हूँ, देखो बेस सेम पावर अलग, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेस अलग पावर सेम, चेक करो यहाँ पे एम और एन अलग अलग थे, मैंने एम और एम सेम कर दिए, वहां पे ए और ए सेम थे, मैंने ए और बी अलग अलग कर दिए, तो एग्जैक्टली फर्स्ट का उल्टा कर रहा हूँ, बेस डिफरेंट, डिफरेंट बेसिस एंड पावर सेम, यानी कि अगर ए की पावर एम मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर एम हो जाए, मीन्स बेस तो अलग अलग हो जाए एंड पावर सेम हो जाए, तो हम ए इंटू बी पूरे की पावर एम लिख सकते हैं, समझ आया? यस सर, ए इंटू बी पूरे की पावर एम, फॉर एग्जाम्पल इसका भी एग्जाम्पल ले लो, अगर आपके 2 क्यूब है और आपको 2 की पावर 3 क्यूब है ना, तो 2 का भी क्यूब है 3 का भी क्यूब है, तो 2 3 जा 6 का क्यूब आंसर आएगा, चाहे ऐसे करके देख लो, देखो 2 क्यूब होता है 8, 3 क्यूब होता है 27 और 6 क्यूब होता है 216, आप करके देखो 27 इंटू 8 216 होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है ना, तो प्रूव हो रहा है ना ये चीज, हम क्या कर देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे और फिर क्या, लेकिन अब इस लो को, इस लो का आप नाजायज फायदा मत उठाना, नाजायज फायदा मतलब कहने का मतलब है कि इस लो को आप इतना ही याद करना जितना लिखा हुआ है, कई बच्चे ये भी कर देते हैं, देखो यहाँ पे कई बच्चे बताए क्या कर देते हैं, ए की पावर एम प्लस बी की पावर एम बराबर ए प्लस बी की पावर एम, भाई मैंने ये लो प्लस में सिखाया है क्या, कहीं लिखा है मैंने प्लस? नो सर, मैंने प्रोडक्ट लिखा है, तो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से लेना है, नाजायज फायदा उठा के प्लस में मत लिख देना कि सर आपने सिखाया था ना, मल्टीप्लाई की जगह प्लस ही तो है तो प्लस कर देते, नो, जितना सिखाया है उतना ही करना है, इज दैट क्लियर? ठीक है सर, आप चाहो तो मल्टीप्लीकेशन का उल्टा डिवीजन में जरूर कर सकते हो ये चीज, तो मैं लॉ नंबर 5 भी लिख देता हूँ इसी को डिवीजन में, कैसे, ए की पावर एम मल्टीप्लाई की जगह कल को डिवाइड हो b की पावर m, तो आप ये जरूर कर सकते हो कि a बाय b की पावर m, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में अलाउड है लेकिन प्लस और माइनस में अलाउड नहीं है, इज दैट क्लियर? यस सर, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास है 4 की पावर 4 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो आप 4/2 कर लो पहले और उसका होल क्यूब लगा दो, यानी 4/2 यानी 2 होता है, 2 का होल क्यूब लगा दो यानी 8, इस तरीके से कर सकते हैं, 4/2 को पहले सॉल्व कर लो और फिर उसकी होल की पावर क्यूब लगा दो, क्लियर है? तो एक आपको बोनस मिल गया, एक लो एक्स्ट्रा दे दिया मैंने, ठीक है ना, बम्पर ऑफर चल रहा था इसलिए एक बोनस मिल गया आपको, तो दीज आर ऑल द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विच वी नीड टू स्टडी इन अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगर ये लॉज हमको आते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, एक और यहाँ पे लॉ की तरह ही है, उसको भी आप नोट डाउन कर लो, लॉ नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा अगर कोई पावर, कोई बेस और पावर वाली चीज आपको डिनोमिनेटर में दिखे लाइक दिस,
आपको कुछ ऐसा दिखे, a की पावर a डिवाइडेड बाय b की पावर m, तो उसको आप कैसे लिखोगे? ध्यान से सुनना बेटा, जो न्यूमरेटर है उसको तो छेड़ना ही नहीं है, जो न्यूमरेटर है उसको तो छेड़ना ही नहीं है, n लिख दो, यहाँ पे आपके बुक में n लिखा हुआ है तो बुकिश लैंग्वेज में लिख लेते हैं n। जो न्यूमरेटर है उसको तो साफ छेड़ेंगे ही नहीं हम, जो डिनोमिनेटर है उसका बेस लिख देंगे एज इट इज, मतलब a इंटू डिनोमिनेटर का बेस तो लिख देंगे हम एज इट इज, और उसकी डिनोमिनेटर में जो बेस था उसकी पावर n थी ना, उस n की जगह मैं यहाँ पे लगा दूंगा माइनस n, इसकी पावर बताए क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी माइनस n। समझ में आया क्या yes, समझ में आया? यानी कि कोई भी नंबर अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में डिनोमिनेटर में रखा हुआ है तो उसकी पावर माइनस एन मानी जा, माइनस में मानी जाती है। मान लो अगर नीचे स्क्वायर रखा हुआ होता, कल को ऐसे रखा हुआ होता 2/5 का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को तो छेड़ो ही मत, और 5 के स्क्वायर डिनोमिनेटर में है ना, तो आई कैन राइट 5 की पावर माइनस 2। क्लियर? यस सर। ठीक है, समझ आया? आई कैन राइट 5 की पावर माइनस 2 बिकॉज इट इज रिटन इन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में पावर प्लस होंगी, डिनोमिनेटर में नेगेटिव होंगी। तो अब मुझे बताओ उसको क्या लिखोगे, देखें कौन बताता है, सब लोग ट्राई करेंगे। 3/7 डिवाइडेड बाय क्या लिखूं, 11/5, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखोगे बताना। 3/7 × 11^-5। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो न्यूमरेटर को तो छेड़ना ही नहीं है, सबसे पहले तो ये चेक करो बेस सेम है क्या, तो बेस अलग अलग है बेटा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 11 है, तो बेस अलग अलग है, तो आप पावर्स के साथ छेड़छाड़ कर नहीं सकते, ना तो आप 7+5 कर सकते, ना 7-5 कर सकते, ना 7 × 5 कर सकते, ना 7/5 कर सकते, क्योंकि बेस ही अलग अलग है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, न्यूमरेटर को तो छेड़ते ही नहीं है, मत छेड़ो, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर नेगेटिव कर दो 11^-5, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिखें। अब समझ आया? यस सर। समझ में आया ना? यस सर। तो आप इसको ऐसे कर लो, चलो यहाँ पे 1^m लगा दो और यहाँ पे भी 1^m लगा दो, तो आपको समझ में आएगा कि 1^m ये वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा। कुल मिला के बात है कि बेस भी अलग और पावर भी अलग, ए और बी बेस भी अलग, एम और एन पावर भी अलग, तो जो पहला वाला न्यूमरेटर वाला है उसको छेड़ना नहीं है, इनटू जो डिनोमिनेटर वाला है उसको एज इट इज लिख के उसकी पावर नेगेटिव कर देनी है, दैट्स इट। शुरू करें एक्सरसाइज, शैल वी प्रोसीड? यस। ओके चलते हैं। अच्छा रूट वाला भी तो है, रुको रुको रुको, अभी बचता है, अभी मामला बचता है, एक रूट वाला और देख लो, चलो ये वाला देख लो। अच्छा अभी तो और भी आ गया ना ये, लेकिन वही है जो अभी हमने सीखे, ये तो सेम वही है कि a की पावर p इंटू a की पावर q, a की पावर p प्लस q, p माइनस q, बस वो p और q में दे रखा है, p इंटू q एंड p, बस ये एक रूट वाला देख लो। तो नेक्स्ट लो नोट डाउन करो आप, सेवंथ लो। देखो आपने एक ऐसा साइन देखा होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम जिसको अपन बोलते हैं रूट, देखा है नहीं देखा है? यस सर देखा है। ये रूट पता है क्या है? ये रूट है फ्रैक्शनल पावर। क्या है इसका मतलब? ये भी पावर ही है, ये भी एक एक्सपोनेंट है, जैसे ये एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं ना m n m n, ये भी एक तरह का पावर या एक्सपोनेंट ही है, पर ये पावर फ्रैक्शन फॉर्म में है। मान लो इसकी पावर में जैसे 3/3 में लगा दूं 2/3, तो ये भी पावर है, लेकिन ये पावर क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म में है, फ्रैक्शनल पावर है ये, यस और नो? तो फ्रैक्शनल पावर को लिखने के लिए रूट का सहारा लिया जाता है। समझ आया? अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए देन वी विल टेक द हेल्प ऑफ रूट टू रिप्रेजेंट दोस पावर्स। समझ आया? अब वो कैसे होगा वो तो अभी मैं बता दूंगा, अभी केवल इतना समझ में आया कि अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन समझते हो ना, समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में आ जाए पावर, तो उसको मैं फ्रैक्शनल पावर कह सकता हूँ, एंड फ्रैक्शनल पावर इज नथिंग बट द रूट, यही तो रूट है।
अब वो लिखेंगे कैसे वो भी मैं बता दूंगा। इतना समझ आया बताओ? यस सर। ठीक है yes, अब सुनो, अब सुनो, अगर आपके पास समथिंग बाय समथिंग, यानी कि आपके पास इस तरह का नंबर है ए डिवाइडेड बाय, ए डिवाइडेड बाय, तो ए डिवाइडेड बाय नहीं सॉरी ए की पावर वन बाई एम, वन बाई एन लिख दो, वन बाई एन, ए की पावर वन बाई एन, तो इसको आप कैसे लिखोगे ध्यान से सुनना। ए इसके ऊपर लगाओगे रूट, और जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में बैठा है उसको इस रूट के इधर बिठाओगे। कैसे? एक मिनट रुको, वन सेकेंड, ए तो बीच में बिठा दिया अंदर, और ये वन बाई एन है तो एन आप यहाँ पे बिठाओगे, इस रूट के बाहर बिठाओगे। और इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते हैं nth रूट ऑफ ए, इसको कैसे रीड करते हैं? nth रूट ऑफ ए, पढ़ के बताओ कैसे रीड करोगे? nth रूट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास है 16 की पावर 1 बाय 2, तो आप कैसे लिखोगे 16, और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, ये 2 को यहाँ लगा दोगे, तो उसको कैसे रीड करोगे? 2 का मतलब हो गया स्क्वायर, तो उसको आप कैसे रीड करोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 16। बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? स्क्वायर रूट नहीं सीखा आपने? फोर। वेरी गुड। आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। समझ में आई ये दोनों चीजें? अगर 4 का स्क्वायर, अगर 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। एक दूसरा एग्जांपल लो, मान लो 2 का क्यूब क्या होता है बताओ? कौन बताएगा 2 का क्यूब? 8। तो फिर 8 का क्यूब रूट क्या होगा? क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट क्या होगा? अगर 2 का क्यूब 8 तो 8 का क्यूब रूट 2। समझ में आया? 8 का क्यूब रूट करने का मतलब है कि आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसका क्यूब करके 8 लाया जा सके, तो 2 का क्यूब करके तो 8 लाया जा सकता है ना। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अक्सर ये रूट्स जो होते हैं वो या तो स्क्वायर रूट्स हो सकते हैं, मान लो 2 लिखा हुआ है तो उसको हम रीड करते हैं स्क्वायर रूट, अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो हम इसको रीड करते हैं क्यूब रूट, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो हम इसको फिर रीड करेंगे फोर्थ रूट और फिफ्थ रूट, इस तरीके से सो ऑन हम रीड करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो स्क्वायर रूट है ना वो बड़ी कॉमन है, वो सबसे छोटा रूट, सबसे छोटा रूट कौन सा माना जाता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से छोटा कुछ नहीं होता भाई, फर्स्ट रूट तो होता ही नहीं है, सेकेंड रूट से ही कहानी चालू होती है। तो इसको इतना बड़ा ना लिख कर हम सिंपली रूट भी लिख देते हैं, यानी कि अगर आपको कह दिया रूट निकालो तो एक्चुअली आपको स्क्वायर रूट निकालना है। समझ में आई बात? यस सर। इसीलिए इसीलिए ही तो हम 16 के स्क्वायर रूट को सिंपली रूट 16 लिख देते हैं। 16 के स्क्वायर रूट को अपन सिंपली रूट 16 लिख देते हैं, वही 4 आंसर। समझ में आया? यस सर। तो सिंपली रूट लिखा हुआ है, सिंपली रूट दैट मीन्स स्क्वायर रूट, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले क्यूबिक रूट या फोर्थ रूट लिखा हुआ है तो फिर उसका मतलब स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। यानी स्क्वायर रूट का दूसरा नाम सिंपली रूट है। अब क्लियर है यहां तक? शिक्षी yes, बताओ समझ आ रहा है? सॉरी बस सेवंथ का फिर से समझाएं। देखो बेटा, किसी भी नंबर की पावर अगर फ्रैक्शन में है, वन बाई एन की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इस एन को उसके रूट में बिठा देंगे और उसको हमको रीड करना पड़ेगा nth रूट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा 32 की पावर 1/5, अभी ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 1.6 में, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन ये शायद 32 की पावर 1/5, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो इस लॉ के हिसाब से? बोलो शिकी, इस लॉ के हिसाब से कैसे लिख सकते हो? नहीं, इसको हम पढ़ेंगे फिफ्थ रूट ऑफ 32, इसको हम ऐसे रीड करेंगे। आप शायद आपने शायद लिखा सही लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो, उसको हम कैसे पढ़ेंगे? फिफ्थ रूट ऑफ 32,
कैसे पढ़ेंगे बच्चों? फिफ्थ रूट ऑफ 32, दैट मींस एक ऐसा नंबर। वन का क्या हुआ? वन को छेड़ना ही नहीं, हाल फिलहाल वन को भूल जाओ, हाल फिलहाल वन को बिल्कुल भूल जाओ। अभी आगे एट लो में पता चल जाएगा कि वन का क्या होता है, ठीक है? चलो, तो इसका मतलब है एक ऐसा नंबर ढूंढ के बताइए, एक ऐसा नंबर ढूंढ के बताइए जिसकी पावर 5 लगाते ही 32 आता हो। तो सोचो ऐसा कोई नंबर है जिसकी पावर 5, यानी उस नंबर की पावर में 5 लगा दूं तो आंसर 32 आ जाए। तो वो नंबर है 2, 2 की पावर 5 32 होता है, करके देख लो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। समझ आया? यस सर। ठीक है, इस चीज का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर ढूंढ के बताइए जिसकी ये 5 पावर जो बाहर फिफ्थ रूट में पावर पड़ी हुई है, इसकी मैं वो पावर लगा दूं तो अंदर का नंबर आ जाए 32। तो 2 की पावर 5 लगाते ही 32 आ जाता है ना, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2। यस। अब समझ में आया शिखी? यस सर। अब देखिए, ये फ्रैक्शनल पावर हमेशा 1/n की फॉर्म में नहीं आती, कभी कभी ये m/n की फॉर्म में भी आ जाती है, यानी न्यूमरेटर में भी 1 के अलावा कोई नंबर आ जाता है। भाई जरूरी थोड़े न्यूमरेटर में हमेशा 1 ही मिले, न्यूमरेटर में 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे 2/3 आ जाए या 3/5 आ जाए तो फिर देखो हम क्या करेंगे। अगर a की पावर m/n है तो देखो रूट तो लगाना ही है, a लिखना ही है, बाहर n तो लगाना ही है, इतना काम तो सेम पहले की तरह ही है। बस एक काम और कर देना, ये जो m न्यूमरेटर में था ये a की पावर में आ जाएगा, यानी ये a की पावर m हो जाएगी। अब कौन पूछ रहा था सर 1 का क्या हुआ? एक्चुअली ये 1 इधर लगा हुआ है a की पावर 1, अब a की पावर 1 तो a ही होती है ना, होती है नहीं होती है सर? 1 की जगह कोई दूसरा नंबर आ जाए तो, कोई दूसरा नंबर आ जाए तो वो 7 की जगह 8 लो अप्लाई कर दो ना, ये मान लो m आ जाए, m कोई दूसरा नंबर आ गया, मान लो 2 आ गया 3 आ गया, तो उसको a की पावर में लगा दो, a क्यूब a स्क्वायर जो भी आ रहा है a की पावर 3। यानी कि ये वाला जो नंबर है दूसरा जो आया है वो तो a की पावर में लगेगा और जो डिनोमिनेटर वाला है वो रूट में लगेगा। क्लियर है? यस सर। और एक्चुअली ऊपर भी वही हुआ है, ये 1 तो लगा है पावर में और n लगा है यहाँ पर, और a की पावर 1 a ही होती है, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं, उसको सिंपली a लिख दिया। a की पावर 1 तो a ही होती है ना, होती है नहीं होती है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्चुअली वो a की पावर 1 है लेकिन वो सॉल्व होके मैंने a लिख दिया डायरेक्ट और ये n बार लगा दिया, और कोई दूसरा नंबर आ जाए तो उसकी वो वाली पावर अंदर लगा देना। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सोचो जरा, मैंने लिखा 4 की पावर 2/3, तो इसको आप 8th लॉ के हिसाब से लिखो, कैसे लिखोगे? लिखो सर 3√4 क्यूब रूट का मतलब 4 स्क्वायर। वेरी गुड, क्यूब रूट ऑफ 4 स्क्वायर। ये 2 तो अंदर पावर में जाएगा और 3 डिनोमिनेटर बाहर आएगा, समझ आया? ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 16 आंसर। इसको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी पावर 3 लगा के मैं 16 लिया, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि 1 की पावर 3 1 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है और 3 की पावर 3 27 होती है, तो 16 तो कहीं इसके बीच में है ना, तो कोई अगर नंबर है तो वो पॉइंट वाला नंबर है, तो ऐसा कोई डायरेक्ट नंबर है नहीं जिसकी पावर 3 लगा के मैं 16 लगा दूं, तो इसको इसी फॉर्म में मैं आंसर मार्क कर दूंगा, क्यूब रूट ऑफ 16, बस यही मेरा फाइनल आंसर होगा। समझ आ रहा है सर? जब सिंपल रूट होता है तब अपन को कैसे पता चलता है कि इसका स्क्वायर होगा क्यूब होगा? वो तो मैंने पहले ही बताया ना कि सिंपल रूट का मतलब स्क्वायर रूट, सिंपल रूट का मतलब है स्क्वायर रूट, फिर हमको स्क्वायर रूट कंसीडर करना है क्योंकि सबसे छोटा रूट स्क्वायर रूट होता है, तो सबसे छोटे रूट को हम सिंपली रूट भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली अगर रूट लिखा हुआ है दैट मीन्स इट इज स्क्वायर रूट। क्लियर? ठीक है। यस सर। यानी मान लो सिंपली लिखा हुआ है √9, दैट मींस ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, यानी एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करके 9 ला जा सके, आंसर 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 लाया जा सकता है ना? यस सर।
ठीक है, तो ये लास्ट के दो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, अगर कोई डाउट अभी भी रह गया तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। दैट्स इट, यही हमारे लॉज हैं जो हमको सीखने। आपकी बुक में ये अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं, मैंने इनको एक जगह कंपाइल कर दिया है ताकि आप एक ही जगह इसको रिवाइज कर सको जब भी आप एग्जाम के लिए रिविजन करो। ठीक है, चलें एक्सरसाइज पे फिर। यस ओके, तो इन यस लॉज सर के हिसाब से हमको अगली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 1.6, द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर इज, मार्क करो एक्सरसाइज 1.6, हेडिंग डालो। नेक्स्ट क्लास कितने बजे? 8 बजे। आठ यस 8 बजे से पहले तो ना कोई क्लास, चलो तो वी हैव सफिशियंट टाइम, हम कर लेंगे एक्सरसाइज। तीन को क्वेश्चन है, कुछ एक होमवर्क दे देंगे। चलो पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये टोटली बेस्ड है लॉ नंबर 5 पे शायद, और लॉ नंबर 7 पर। कितने लॉस किए थे हमने टोटल बताना एक बार अभी? 8 किए थे कि 6 किए थे? 8। तो एट जो सेकंड लास्ट वाला लॉ है जिसमें न्यूमरेटर में हमेशा वन 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 आ रहा है, तो वो लॉ नंबर 7 ही था, यस सर तो उस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। देखो पहला यस क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी फर्स्ट, 64 की पावर 1/2। अब ऊपर इसमें देखो ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है फिर हम कई बार ब्रैकेट नहीं लगाते हैं ना, तो हम गलत लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 64 की पावर 1/2, फिर हम कई बार इसको 642 रीड कर लेते हैं, तो हमसे गलती ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, टू बी ऑन सेफर साइड हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे ताकि हमको पता रहे 64 बेस में और 1/2 एक्सपोनेंट यानी पावर में। ठीक है, 64 की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 64 का स्क्वायर रूट, यस और नो? यस सर यस सर लॉ क्या सीखा था हमने, ए की पावर 1/n को मैं लिख सकता हूँ nth रूट ऑफ ए। तो इस लॉ के हिसाब से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो बच्चों। यस सर सर अब 64 यानी कि एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 64 आता हो, तो ऐसा नंबर बताओ जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके यानी जिसका स्क्वायर करके 64 आता हो। 8, वेरी गुड, 8 का स्क्वायर करके 64 आता है, फर्स्ट का आंसर हो गया। चलिए मीटिंग लीव करके वापस आइए, खत्म होने वाली है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं फिर। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा 8 कैसे आया, हमको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर होता हो 64, तो वो नंबर होता है 8, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो भी लॉ लगा वो लॉ हमको क्लियर कट मेंशन करना है, क्लियर कट हमको मेंशन करना है कि हम कौन सा लॉ लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से इस स्टेप पे आने में हमने एक लॉ लगाया, तो वो लॉ हम यहाँ पे शो करेंगे बिकॉज। अच्छा, ये साइन बिकॉज का होता है याद रखना ना, बिकॉज दो डॉट ऊपर एक डॉट नीचे, इसको हम क्या कहते हैं, बिकॉज। ठीक है, या फिर जैसे हिंदी में कहें तो क्योंकि, क्लियर है? और बिकॉज का उल्टा क्या होता है, बिकॉज का इस साइन का उल्टा होता है, मतलब इस साइन को उल्टा रिवर्स कर दो, तो एक डॉट ऊपर और दो डॉट नीचे, इसका मीनिंग भी क्या होगा जो इसके मीनिंग का उल्टा है। तो बिकॉज का उल्टा, क्योंकि का उल्टा क्या होता है, इसलिए, क्योंकि का उल्टा होता है इसलिए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सो, या फिर देयर फोर कह सकते हैं। तो ये साइन हमको बड़े ही हिसाब से लगाने हैं। जब आप रीजन बताओ किसी चीज का रीजन बताओ, तब आप लिखोगे बिकॉज, दैट मीन्स आप कौन सा साइन लगाओगे, ये वाला बिकॉज। जब आप किसी चीज का रिजल्ट बताओ तब आपको सो या देयर फोर लगाना है, सो या देयर फोर, और उसके लिए आपको कौन सा साइन लगाना है, इसका जस्ट उल्टा, ऐसे। तो अभी अपन रीजन बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ अपन किस रीजन से आए, तो हम बिकॉज वाला साइन लगाएंगे, ये वाला बिकॉज। अब लॉ लिख दो, कौन से लॉ के तहत आपने ये लिखा बिकॉज, यहाँ से यहाँ कैसे आए हम, लॉ नंबर शायद 7th है, सेकेंड लास्ट आपका, कि ए की पावर 1/n अगर हो तो हम क्या लिखते हैं, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ, जैसे यहाँ पे ए की पावर 1/2 थी तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 लिखा, तो लॉ क्या था, कहता है कि ए की पावर 1/n है तो ये n उसकी उतनी रूट हो जाता है ए का, ए कौन है 64। तो ये हमको लॉ हमेशा हर इक्वेशन में मेंशन करना है, प्लस जिस स्टेप में लगाया है और कौन सा लगाया है उसी स्टेप में आपको इस तरीके से ब्रैकेट में बिकॉज करके लिखना है। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन का एक मेथड नंबर 2 भी है,
वो थोड़ा सा आपको उल्टा आसान लगेगा, वो भी देख लो अगर आपको समझ में आए तो, मेथड नंबर टू। जैसे कि क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2, देखो क्या करेंगे हम, हमारा टारगेट है कि हम इस 2 को भगाना चाहते हैं, ये 2 बड़ा दिक्कत कर रहा है हमको, तो हम क्या करेंगे, अंदर जो बेस में नंबर बैठा है उसको ऐसे नंबर में चेंज कर देंगे जो किसी का स्क्वायर होता हो, मतलब इस नंबर को 64 को किसी भी एक नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। स्क्वायर की फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बाहर डिनोमिनेटर में 2 है, अगर क्यूबिक होता तो मैं 3 की फॉर्म में लिखता, मतलब क्यूब की फॉर्म में लिखता, 4 होता तो 4 की फॉर्म में लिखता, मतलब जो भी डिनोमिनेटर है अंदर वाले नंबर को उसी नंबर की पावर की फॉर्म में लिखो। तो 64 को मैं किसकी पावर लिख सकता हूँ, वी ऑल नो, हम इसको 8 के स्क्वायर की पावर में लिख सकते हैं, की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लॉ लग जाएगा आपका, लॉ नंबर शायद 3 है, क्या लॉ है कि 8 की पावर 2 और फिर उसकी टोटल की पावर 1/2, तो 8 की पावर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, इट बिकम्स 8 की पावर 1 एंड 8 की पावर 1 इज 8 आंसर। इधर हम लॉ लिख देंगे, बिकॉज a की पावर m की पूरे की पावर n होती है a की पावर m इंटू n। तो ये मेथड से भी आप कर सकते हो, ये मेथड उल्टा आसान है, लेकिन मैं कहूंगा आपको दोनों मेथड आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कौन से मेथड से क्वेश्चन करना पड़ जाए, और आगे चल के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो हम दो मेथड से ना करके एक ही मेथड से करना हमारी मजबूरी हो जाती है, तो कुल मिला के हमको सब कुछ आना चाहिए, ये वाला मेथड भी आना चाहिए रूट में कन्वर्ट करने का, और ये वाला भी आना चाहिए जिसमें हम अंदर वाले बेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस फॉर्म में ले आते हैं, ताकि ये जो इसकी जो पावर हो वो ऊपर वाली पावर से मल्टीप्लाई होकर ऐसे कट जाए, ऐसी फॉर्म में ले आते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर पकड़ना पड़ेगा, डिनोमिनेटर 2 है तो अंदर वाले नंबर को किसी के स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया बच्चों, तो इस तरीके से हम करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखो इसी का ही, एक और करवा देते हैं, फिर आप एक होमवर्क कर लेना, 32 की पावर 1/5, इसको भी फटाफट से देखो, दोनों मेथड से कर लेते हैं फटाफट। तो 32 की पावर 1/5 को मैं लिख सकता हूँ, अगर पहले मेथड से चलूँ तो 32 तो अंदर आ जाएगा, रूट लग जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो उतना ही रूट हो जाएगा 32 का, रीज़न वही सेम जो पहले लिखा, बिकॉज ए की पावर 1/n इक्वल टू nth रूट ऑफ ए। अब आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसकी पावर 5 करके आप 32 ला सकते हो, ऐसा नंबर जिसकी पावर 5 करके आप 32 ला सकते हो, तो ऐसा नंबर 2 है, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने एग्जांपल्स में भी आपको दिया था, ये सेम यही क्वेश्चन दे दिया था, तो ऐसा नंबर 2 है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2। भाई 2 की पावर 5 32 होती है ना, 2 की पावर 5 32 होती है, तो मुझे एक ऐसा नंबर सोचना था जिसकी पावर ये वाली लग के अंदर वाला नंबर आ जाए, 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। मेथड नंबर 2 से करो तो भी उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, देखो 32 की पावर 1/5 है, तो व्हाट यू विल डू, आप अंदर वाले नंबर को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो किसी की फिफ्थ पावर बने, ताकि 5 से 5 कट जाए। तो अभी अभी जैसे हमने डिस्कस किया है कि 32 किसकी पावर 5 होती है, 2 की पावर 5 होती है, 2 की पावर 5 की पावर 1/5, तो ये बन जाता है 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट जाता है, तो ये पावर जो फ्रैक्शनल थी वो इंटीजर फॉर्म में आ जाती है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होती है 2, रीजन यहाँ पे हम लगा देंगे बिकॉज वही a की पावर m की पूरे की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करेंगे, चाहे से मेथड नंबर 1 से करें, चाहे से मेथड नंबर 2 से करें, देखो दोनों में हमको वही सोचना है, इधर भी हमको ये सोचना है कि किसकी पावर 5 32 है, और इधर भी हमको वही सोचना है कि कौन से नंबर इसको किस नंबर में चेंज करूं ताकि ये फिफ्थ पावर में चेंज हो जाए। तो दोनों ही चीज में आपको ये चीज तो सोचनी ही है कि 2 की पावर 5 32 होती है, ये तो आपको दोनों ही केसेस में पता होना चाहिए, तभी दोनों सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मेथड नंबर 2 में आपको ये चीज पता ना हो कि 2 की पावर 5 32 होती है तो आप इसको मेथड नंबर 2 से सॉल्व कर लोगे, नहीं, मेथड नंबर 2 में भी आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 5 32 है, तब ही मेथड नंबर 2 में भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका आप होमवर्क मार्क करो, अपने आप कर लेंगे, और कोई डाउट हो तो बताएंगे, चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 1/2 था, 1/5 था, 1/3 था, लेकिन यहाँ पे अब न्यूमरेटर भी चेंज हो गया, 1 की जगह 3 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से -1 है, 1 की जगह दूसरी पावर्स है। तो ये है आपका लास्ट वाला लो, लो नंबर 8, जिसमें ऊपर भी कुछ आता है, नीचे भी कुछ आता है, ऊपर भी कुछ आता है, नीचे भी कुछ आता है, फ्रैक्शनल पावर तो है ही सही, फ्रैक्शनल पावर तो ऊपर भी थी लेकिन न्यूमरेटर तो 1 ही था, तो लॉ नंबर 7 लग रहा था। यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर है लेकिन न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, तो लॉ नंबर 8 लगेगा लास्ट में, देखते हैं कैसे करेंगे।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, सेकंड का स्टार्ट राइटिंग। ये है 9³ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वही बात है आप गलती से इसको 92 ना पढ़ लो, है ना, इसलिए अच्छा है कि ब्रैकेट लगा दो 9³ सेफ साइड होने के लिए 9³। अब क्या करेंगे, देखो लॉ नंबर 8 क्या कहता था कि ये 3 भी कहीं जाएगा, ये 2 भी कहीं जाएगा। देखो कैसे जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 रूट लगा दो। अब ये 3 तो जाएगा, 3 तो जाएगा अंदर पावर में और 2 जाएगा यहाँ पर, यही था ना लॉ, याद करो। बिकॉज a की पावर अगर m बाई एन है तो ये हो जाता है nth रूट ऑफ a की पावर m, nth रूट ऑफ a की पावर m, मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो तो रूट उतना तो रूट हो जाता है और जो न्यूमरेटर है वो पावर में चली जाती है लाइक दिस, ये जाती है पावर में, ये जाती है रूट में। तो सिमिलरली ये तो जाएगी पावर में न्यूमरेटर और ये जाएगी रूट। तो 8 नंबर लॉ है ये वाला हम जो हमको अप्लाई करना है यहाँ पे। अब 9 का क्यूब हम सब जानते हैं क्या होता है, 729। उसके लिए बेटा आपको याद होना चाहिए 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स, 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स। जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने याद कर लिए हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी याद करना है। जिनके पास शीट नहीं हो मुझसे ले सकते हैं, मेरे पास एक शीट रखी हुई है जिसके अंदर इन सबके क्यूब्स एंड स्क्वायर्स डायरेक्ट याद डायरेक्ट लिखे हुए, जो आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। एक तो आप 9 × 9 × 9 अलग अलग करो और एक आपको डायरेक्ट ही याद हो कि 9³ = 729 होता है। तो आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स एंड 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स डायरेक्टली याद होने चाहिए। आप मुझसे शीट ले लो टेलीग्राम चैनल पे कॉन्टैक्ट करके और उसको जल्दी से जल्दी याद करो, जो न्यू स्टूडेंट्स है, पुरानों ने तो ऑफली याद कर ही लिए होंगे। चलो आगे चलते हैं। अब आपको ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर यानी जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 729 आता हो। तो अगेन आपको 1 से लेके 30 तक के अगर स्क्वायर याद होते तो आपको पता होता कि 27 का स्क्वायर 729 होता है, 27 का स्क्वायर 729 होता है, ये आपको पता होता अगर आपको याद होते हैं 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स, 27 का जो स्क्वायर होता है वो 729 होता है। ठीक है ना बच्चों, तो अगेन वही बात है कि एक सेकेंड होल्ड करो, हाँ जी बच्चों, तो मैं कह रहा था कि 27 का स्क्वायर 729 होता है, ये डायरेक्ट याद होता आपको तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है। तो आपको जल्दी से जल्दी 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स एंड 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स याद रखना। चलो इसको फटाफट मेथड नंबर नहीं, इसको मेथड नंबर 2 से तो करेंगे कैसे, एक मिनट रुको, देखो कर सकते हो कि हाँ कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, डिनोमिनेटर को भगाना है ना। देखो मेथड नंबर 2 क्वेश्चन है 9³। तो देखो डिनोमिनेटर में है 2, तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले नंबर को किसी की पावर 2 में चेंज करेंगे, यानी कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर 2 हो इस नंबर में इसको चेंज कर देंगे। तो 9 को हम इजीली 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और बाहर पावर 3/2 लिखी हुई है। देखो कुछ भी चेंज नहीं किया, 3/2 एज इट इज अपनी जगह है, बस जो अंदर वाला 9 है उसको 3 का स्क्वायर लिख दिया। क्यों लिखा साहब 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 से 2 अब कट जाएगा। आप डिनोमिनेटर को पकड़ो, जिस फॉर्म में डिनोमिनेटर है उसी फॉर्म में अंदर वाले नंबर को चेंज करो। तो इधर लॉ लगा दूंगा मैं, लॉ नंबर 3 है शायद, ये हो जाएगा 2 × 3/2। क्या कहता है लॉ, बिकॉज a की पावर m की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। ठीक है चलते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 3 का क्यूब एंड 3 का क्यूब सब जानते हैं क्या होगा, 3 × 3 × 3 = 27। तो उधर से भी वही आंसर आ रहा है और इधर से भी वही आंसर आ रहा है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये सेकंड वाला मेथड फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा इजी है, इसमें हम फटाफट, लेकिन सोचना तो इसमें भी पड़ता है कि 9 को किस में कन्वर्ट करें। एक ना एक बार तो दोनों मेथड में एक बार तो आपको सोचना पड़ता है, किसी में थोड़ा सोचना पड़ता है किसी में ज़्यादा सोचना पड़ता है, कुल मिलाकर दोनों टेक्निक्स आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, फिर 2 क्वेश्चन होमवर्क हो जाएंगे। आप एक काम करो, ये नेगेटिव वाला करा देता हूँ, क्योंकि माइनस देख के अगर अक्सर घबरा जाते हो आपकी माइनस क्या आ गया, तो ये वाला मैं करवा देता हूँ और सेकेंड एंड थर्ड आप मार्क कर लो होमवर्क, दोनों आप होमवर्क मार्क कर लो, अपने आप ट्राई करना, नहीं आया तो कल पूछना। फोर्थ वाला देखते हैं, 125 की पावर -1/3 तो सेम वही तरीका अपनाएंगे जो अभी अपनाया,
कुछ ज्यादा हम ऐसा कुछ स्पेशल चीज इसमें नहीं करनी है, वही m by n वाला जो लॉ है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो जो न्यूमरेटर में है, जो न्यूमरेटर में है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में है वो क्यूब में चला जाएगा। जो न्यूमरेटर में है वो तो एज इट इज रहेगा और जो डिनोमिनेटर में है वो क्यूब में चला जाएगा। एक मिनट देखो बच्चों, अगर आप इसको उस वाले तरीके से करते हैं, m बाई n वाले तरीके से करते हैं, जैसे इसमें आप भाई इसको आप क्या करोगे, क्यूब रूट ऑफ 125 की पावर माइनस 1 लिखोगे, तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है ना भाई। इस 125 को क्या करना पड़ेगा फिर, ये माइनस 1 की पावर है ना, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा 125 की पावर 1, ठीक है। तो अंदर रूट के अंदर फ्रैक्शन आ जाएगा ना, तो इससे अच्छा है मैं कह रहा हूँ कि इसको डायरेक्ट मेथड नंबर 2 से कर लेते हैं, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है यहाँ पे, है ना। मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि हम सीधा सीधा अंदर वाले नंबर को ऐसे नंबर में चेंज करते हैं जो बाहर डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, यानी 125 को किसी के पावर 3 में चेंज करते हैं। तो वी ऑल नो दैट कि 125 की पावर 3 जो होती है वो 125 होती है, ये हमको पता है, तो उसी हिसाब से हम, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 5 की पावर 3 और फिर टोटल पावर माइनस 1/3 है ही सही, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो कुछ भी नहीं किया, माइनस 1/3 अभी भी वैसे का वैसा ही है, बस 125 को मैंने 5 की पावर 3 लिख दिया। 3 ही क्यों लिखा, क्योंकि बाहर डिनोमिनेटर में 3 है, अगर बाहर डिनोमिनेटर 2 होता तो अंदर 2 बदलना था कैसे भी करके इसको। चलो अब लॉ लगा दो, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू माइनस 1/3। लॉ क्या कहेगा यहाँ पे, किस लॉ से होगा ये, a की पावर m की पावर n इक्वल टू ए की पावर एम इंटू इस वाले लॉस, वही 3 से 3 कटा तो इट विल गिव मी 5 की पावर माइनस 1। अब देखो अगर पावर नेगेटिव हो जाए तो हमको क्या करना पड़ता है, याद करो जब पावर नेगेटिव हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को तो भूल जाओ, और माइनस को भूलने के बाद जो नंबर बच गया वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, कैसे, 1/ जो भी नंबर बच गया, क्या बच गया, 5 की पावर 1 बच गया, ठीक है। देखो बेटा क्या करना है, फिर से सुनो, ये जो माइनस है इसको हटा के जो भी नंबर बचे वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, एक तरीके से रेसिप्रोकल हो जाएगा। मान लो 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, तो हम क्या करेंगे, माइनस को तो हटा देंगे, अब जो भी नंबर बचा क्या बचा, 5 की पावर 1 बचा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 की पावर 1, वो नंबर हम यहाँ लिख देंगे। मैं यूं कह सकता हूँ कि ये माइनस क्या करता है, रेसिप्रोकल करने का काम करता है, तो माइनस को हटा के जो नंबर बचा उसका रेसिप्रोकल होगा। फिर से सुनो, माइनस को हटा के, माइनस का काम क्या है, देखो ये माइनस क्या करेगा, ये तो करेगा रेसिप्रोकल, अब ये तो रेसिप्रोकल का काम करेगा तो उसको तो भूल जाओ, अब क्या नंबर बचा, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 का ये रेसिप्रोकल कर देगा जो हो जाएगा 1/5 की पावर 1, तो ये हो जाता है 1/5 माई फाइनल आंसर। अच्छा लॉ यहाँ पे भी हमने लगाया है, कौन सा वाला, देखो लॉ नंबर यहाँ पे हमने लॉ लगाया है, नेगेटिव वाला है शायद, लॉ नंबर 5th या 6th है, चेक करना। लॉ था हमारा कि ए की पावर, अगर ए की पावर माइनस एन ऐसा कोई नंबर है तो हम उसको लिख सकते हैं 1/a की पावर n, दिस वॉज अवर लॉ, ठीक है। हो सकता है लॉ जो हमने लिखवाया हो जब आपको, तो लॉ इधर से इधर वाला हो, मतलब हमने ऐसे लिखवाया हो कि दिस इक्वल टू दिस होता है, लेकिन ऑब्वियसली दिस इक्वल टू दिस होगा तो दिस इक्वल टू दिस भी होगा, हमको चाहिए चेक करना है कि हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्मेट में, तो हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है और उसको हमने इस फॉर्मेट में चेंज किया है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, LHS में वो चीज़ लिखेंगे जिस फॉर्मेट में हमारे पास चीज है और उसको हम जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं वो लिखेंगे हम RHS में। तो लॉ हो सकता है मैंने इधर से इधर लिखवाया हो जब आपने नोटबुक्स में लिखा हो, लेकिन अभी अप्लाई ये इधर से इधर हो रहा है, तो फिर हम इसको दिस इक्वल टू दिस करके लिखेंगे, ठीक है, इज दैट क्लियर। हाँ तो हम बात कर रहे थे कि हमने जब लॉ लिखवाया था आपको, तो शायद हमने लॉ ऐसे लिखवाया है, यहां से यहां आने वाला लॉ लिखवाया है ना। यस सर। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो लॉ तो उल्टा भी काम करता है ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि जो रास्ता, जैसे मान लो आप जो रास्ता आपके घर से स्कूल जाता है तो स्कूल से वही रास्ता वापस घर भी तो आता है कि नहीं आता है,
आता है ना। तो सिमिलरली अगर हमने लॉ यहाँ से यहाँ लिखा है तो कोई बात नहीं, हमको वापस यहाँ से यहाँ आना भी आना चाहिए। तो ये वाली जो है वो इस ये वाली फॉर्म गिवन थी, तो यहाँ से ये वाली फॉर्म भी हमको चेंज करनी आनी चाहिए। क्लियर है ये सारी चीजें? 1/5 आंसर हो जाएगा, पीछे से मैच कर लिया। यस सर। ठीक है साहब, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसके बचे हुए 2 क्वेश्चन होमवर्क कर लोगे? यस सर। सेकेंड एंड थर्ड है ना, इसको आप होमवर्क कर लीजिए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट, अब वो बेस सेम है, अलग अलग है वो वाले क्वेश्चन से सारे, है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने पहले दूसरे लॉ पढ़े थे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इजी है वैसे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 की पावर 2/3, और डॉट का मतलब हमेशा इनटू होता है, डॉट 2 की पावर 1/5। तो बताओ बेस सेम है या पावर सेम है? सर बेस। बेस सेम, तो बेस सेम होते हैं तो पावर्स का क्या होता है? बेस सेम है तो पावर्स का क्या होता है? लॉ नंबर 1 पहला ही लॉ था, ऐड हो जाती है। वेरी गुड, कॉमन ले लेंगे, 2 बेस कॉमन ले लेंगे, बेस कॉमन लगा के और पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, राइट। बिकॉज ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन। क्लियर, यहां तक समझ आया? ओके, अब हम ऊपर पावर्स को ऐड कर देते हैं बस। तो 2/3 एंड 1/5 को ऐड करना तो आता ही होगा, तो 4th-5th क्लास से ऐड करना जानते होंगे ना। 3 एंड 5 का एलसीएम ले लेंगे, बोलो 3 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा एलसीएम? 15। देन हम क्या लिखेंगे, 3 5 जा 15 होता है तो 2 5 जा 10, और 5 3 जा 15 होता है तो 3 1 जा 3, ऐसे ही करते हैं क्या? तो इट इज 10 + 3 13/15। बस इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसको बिल्कुल एक्सपेंड नहीं कर सकते हम, 2 की पावर 13 करनी पड़ेगी अगर पूरा एक्सपेंड करोगे तो। 2 की पावर 13 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 13 times करना पड़ेगा, और फिर उसकी 15th रूट देखनी पड़ेगी, यानी कि कौन से नंबर की पावर 15 लगाऊं तो वो नंबर है, तो वो करना काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो हम इसको इसी पे स्टॉप करके यही आंसर लेते हैं। जब हमारी पावर्स या एक्सपोनेंट्स बड़े बड़े नंबर हो तो उसको सॉल्व नहीं किया जाता, एज इट इज छोड़ दिया जाता है। कोई छोटा मोटा नंबर हो जैसे 2 की पावर 2/3, तो इतने से नंबर को तो फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, बड़े को नहीं सॉल्व करेंगे। पीछे देखो इसी फॉर्म में आंसर है या नहीं है? यस सर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसको डिलीट कर दूं, सबने नोट डाउन कर लिया? यस सर। यस सर। सेकंड पार्ट इज 1/3 की पावर 7। सेकेंड क्वेश्चन इज 1/3 का क्यूब और होल की पावर 7। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक, तो देखो हमने लॉ नंबर शायद लॉ नंबर 4 में पढ़ा था कि 5th लॉ में पढ़ा था शायद कि ए की पावर एम हो और नीचे बी की पावर भी एम हो तो a बाई बी की पावर m हो जाती है। फिफ्थ लॉ में है क्या? फिफ्थ लॉ। यस सर। तो मुझे बताओ ये जो नंबर है ये इससे मैच कर रहा है? देखो a कोई अलग नंबर है, b कोई ये पूरा इसको पूरा को अलग नंबर मान लो, a कोई अलग नंबर है, b कोई अलग नंबर है और पावर कॉमन में आ रही है, तो इस वाले इसकी शक्ल कुछ इस तरह से दिख रही है, इसकी तरह दिख रही है जिसमें ए की पावर बस लगा दी ऊपर 7 लगा दी, यस और नो बताएं? यस सर। तो मैं इसको इधर से इधर भी तो आ सकता हूँ भाई, जरूरी थोड़ा ना मैं इधर से इधर ही आऊंगा, मैं इधर से इधर भी आ सकता हूँ, यानी मैं अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये एम न्यूमरेटर को भी मिलेगा और एम डिनोमिनेटर को, दोनों को मिलेगा। तो उसी तरीके से ये 7 इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 की पावर भी 7 हो जाएगी और नीचे 3 क्यूब लिखा हुआ है उस 3 क्यूब की पावर भी 7 हो जाएगी। भाई ऊपर वाले नंबर को यानी 1 की पावर भी 7, ऊपर 1 था तो ये 1 की पावर 7 कर दिया, नीचे 3 क्यूब था तो 3 क्यूब की पावर 7 कर, समझ में आया यहां तक?
यस सर। और लॉ नंबर 5 लिख दो, लेकिन लॉ नंबर 5 को उल्टा करके लिखना, a by b की पावर m होता है a की पावर m into b की पावर। भाई हमको क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म गिवन है ना, उससे हम ये वाली फॉर्म में गए हैं, हालांकि लॉ लिखा था तो हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में आया, तो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में वो दिखना होता है। जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है वो LHS में लिखते हैं और RHS में वो लिखते हैं हमने किस में कन्वर्ट किया है, तो हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो हम लॉ को इस तरीके से लिखेंगे। इज दैट क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो। यस सर। 1 की पावर 7 क्या होती है, कोई बताएगा? 1 की पावर 7 1 की पावर 7 मींस 1 इनटू 1 इनटू 1 इनटू 7 टाइम्स 1, तो 1 को 7 टाइम्स क्या 7000 टाइम्स कर लो, चाहे से 7 लाख टाइम्स कर लो, चाहे से 7 करोड़ टाइम्स कर लो, 1 ही आएगा ना, ठीक है? तो ये 1 होगा। अब नीचे देखो, अब नीचे लॉ नंबर 3 लग जाएगा, a की पावर m की पावर n, तो क्या हो जाएगा वो 3 की पावर 3 इनटू 7, बिकॉज a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m इनटू n, लॉ नंबर 3, राइट? लॉ नंबर 3 है कि कौन सा है, देख लो बाबू, नंबर नंबर तो देख लेना, ठीक है? यही होता है क्या? यस सर। तो ये 3 इंटू 7 हो जाएगा, और 3 इंटू 7 क्या होता है, 21 होता है, तो मैं इसको 1 अपॉन 3 की पावर 21 ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी मेरा करेक्ट आंसर है, और नहीं तो मैं इसको एक दूसरे फॉर्मेट में भी चेंज कर सकता हूँ, कैसे, 3 की पावर माइनस का 21, और इधर हम लॉ लगा देंगे, बिकॉज 1 अपॉन a की पावर n जो होती है a की पावर माइनस n हो जाती है, तो चाहो तो इस फॉर्मेट में लिख लो, चाहो तो अगर आप ऊपर वाले फॉर्मेट में लिख के भी छोड़ दोगे तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा। पीछे आंसर देखो किस फॉर्मेट में, सर स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप। सर इसमें अपन ऐसा नहीं कर सकते क्या सर, पहले ही 3 को ऊपर ले जाके फिर 7 उसको ऊपर, ये सर दूसरी लगा देते उसमें पहले, AM, अच्छा, पहले ही माइनस में ले जाते हैं, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, पहले तो आप पीछे चेक करो, देखो इस फॉर्मेट में आंसर वैलिड माना है या इस फॉर्मेट में माना है, फिर हम डिसाइड करते हैं इसमें माना है कि इसमें माना है, पीछे के आंसर किसे देखो, 3-21 इसमें माना है ना, तो ये ज्यादा वैलिड है ना। अब देखो जो आप कह रहे हो हितेंद्र वो भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। देखो आप ये कह रहे हो कि पहले ही आप इसको ऊपर पहुंचा दो सर, पहले ही ऊपर पहुंचा दो, है ना, ये कह रहे हो, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे 3 की पावर माइनस 3, पहले ही ऊपर पहुंचा दिया आपने, और अब पूरे की पावर 7, यही कह रहे हो? यस सर। मतलब ये जो अंदर वाली चीज है इसको आपने अंदर के अंदर ही ऐसे सॉल्व कर दिया, इस पावर को पहले माइनस 3 में बना दिया, और अब आप इसमें a की पावर m इंटू n यानी ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस 3 इंटू 7, तो आंसर हो जाएगा 3 की पावर माइनस 3 इंटू 7 यानी माइनस 21, तो इससे भी वही आंसर आ रहा है। यस सर। तो आप चाहो तो बच्चों ये वाला मेथड भी नोट डाउन कर सकते हो, इससे भी हो जाएगा, ये मैंने शॉर्ट में कर दिया, फेयर में आप थोड़ा सा अच्छे से लॉ वो लगा के इसमें कौन सा लॉ लगा फिर इसमें कौन सा लॉ लगा, क्लियर है भाई? पहले अंदर के अंदर सॉल्व करके इसको माइनस में ले जाके फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले 7 से मल्टीप्लाई करके और लास्ट स्टेप में जाके उसको माइनस में ले जाओ, कोई उसमें डिफरेंस नहीं। इसमें मैं लास्ट स्टेप में लेके गया और लास्ट स्टेप में जाकर फिर मैंने इसको माइनस में चेंज किया, 21 को माइनस 21 किया, वैसे भी कर सकते हो, चाहो तो पहले कर दो और बाद में मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी कर दो। समझ आया बच्चों? यस सर। बताओ शिखी, समझ में आया? गर्ल्स की आवाज कम आ रही है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो है मैं मानता हूँ, लेकिन हल्का सा फोकस करो, समझने की कोशिश करो, इधर उधर से ध्यान रखे, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दो जो मैं कह रहा हूँ, तो समझ में आ जाएगा। और फिर एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना आप लोग, रिवाइज कर लेना, तो उससे बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कितने हैं इसमें, 4 क्वेश्चन हैं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है और डिवाइड हो रहा है, क्या है, 11 की पावर 1/2, ब्रैकेट लगा देते हैं हमारा सेफ होने के लिए, डिवाइडेड बाय नीचे 11 की पावर 1/4,
तो बेस सेम है, बताओ कौन सा नंबर लॉ लगेगा? लॉ नंबर टू ही लग जाएगा शायद, है ना? लॉ नंबर टू ही लग जाएगा, बेस सेम होने वाला। यस सर। तो ये हो जाएगा 11 की पावर। क्या होती है पावरों के साथ, क्या हो जाता है अगर डिवाइड हो रहा हो और बेस सेम हो तो पावरों का क्या हाल होता है? 11 की पावर माइनस में चली जाती है ऊपर आके। नहीं 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 नहीं, आप दूसरे लॉ पे पहुंच गया बेटा। ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर है माइनस हो जाती है। सीखा था ना भाई, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर है प्लस हो जाती है, और बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर है माइनस हो जाती है। लॉ नंबर टू है ना? यस सर। बोलो बाकी बच्चे भी जवाब, तो समझ आया? बेस सेम, पावर्स डिफरेंट, तो वी विल टेक द डिफरेंस ऑफ पावर्स। पावर्स का डिफरेंस ले लो और बड़े में से छोटा, यानी बड़े में से छोटा नहीं, सॉरी ऊपर में से नीचे वाला, न्यूमरेटर वाली पावर में से डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस करेंगे। चाहे से अगर न्यूमरेटर की पावर छोटी है तो भी छोटी में से बड़ी कर देना, नेगेटिव ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करना हमेशा यही है कि न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस करना। कभी ऐसा नहीं, मान लो आपको ऊपर मिले 3, नहीं ऊपर मिले मान लो 5, नीचे मिले 3, तो आप कर दो उसको 11 की पावर 5 माइनस 3। लेकिन उल्टा मिले, ऊपर मिले 3 नीचे मिले 5, तो आप देखो यार बड़े में से छोटा करें, नहीं छोटे में से बड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। करना हमेशा ऊपर में से नीचे वाला माइनस है। चाहे से आप 11 की पावर माइनस 2 लिया ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव पावर भी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव पावर आएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी, बट करना हमेशा ऊपर में से नीचे वाला माइनस है। क्लियर है ये सभी को? यस सर। तो अब 1/2 माइनस 1/4 कर दो, वही एलसीएम लेके, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4 सर, 4 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो इट विल गिव मी 11 की पावर 2 - 1 1/4। चेक करो पीछे ये आंसर क्या, और यहाँ पे लॉ लगाया था हमने बिकॉज ए की पावर एम ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। यस सर, यही है 11 की पावर 1/4। ठीक है ना बेटा, कोई डाउट नहीं? पावर फ्रैक्शनल भी हो सकती है, पावर नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे पावर फ्रैक्शनल आ रही है, पिछले क्वेश्चन में पावर नेगेटिव आई थी माइनस का 21, तो पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पावर फ्रैक्शन में भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सही है, हमने सही किया होना चाहिए बस। चलें लास्ट क्वेश्चन पे। यस सर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर ऑल्सो, फोर्थ क्वेश्चन। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, 7 की पावर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ यार, 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। बोलो कौन से लॉ से मैच कर रहा है ये जो गिवन क्वेश्चन है? सर ए ए एम इंटू बी एम। अब की बार पावर सेम है, फर्स्ट लो ना ना, फर्स्ट लो नहीं, फर्स्ट लो में तो बेटा बेस सेम था, इसको पकड़ो अच्छे से, फर्स्ट लो में बेस सेम था, अभी तो बेस अलग है और पावर सेम है, बेस अलग पावर सेम। लो नंबर मेरे हिसाब से कौन सा है, चेक करो, थर्ड है क्या? फोर्थ। फोर्थ लो, जो भी आप देख लेना सीक्वेंस, तो आप देख लेना जो भी है। कुल मिला के बेस अलग पावर सेम, तो क्या हो जाता है, बेसिस का प्रोडक्ट हो जाता है, बेस का प्रोडक्ट हो जाता है और पावर कॉमन में लग जाती है, यही होता है। बिकॉज ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम अगर सेम है तो हम क्या कर देंगे, बेस का तो प्रोडक्ट कर देंगे ए बी पावर एम। ठीक है, अंश माइक ऑफ करो। ठीक है, अगर बेसिस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो मैं कॉमन पावर लगा दूंगा और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा ए इंटू बी ए बी। तो सॉल्व कर दो, 7 × 8 क्या हो जाता है, 56 की पावर 1/2। पीछे मैच करो, इसी फॉर्म में है या आगे और सॉल्व किया?
यही है चलो यही है तो ठीक है। वैसे इसको अगर करना चाहे तो और आगे ये सॉल्व भी हो सकता है, पर चलो अगर नहीं है तो छोड़ो। क्लियर है? Yes, sir. तो आज तो होमवर्क ही बहुत कम हो गया आपका, केवल एक ही क्वेश्चन होमवर्क, दो ही क्वेश्चन होमवर्क है ना, कितने क्वेश्चन होमवर्क है बताना? थ्री क्वेश्चन है। हाँ थ्री है, फर्स्ट में भी तो एक है। फर्स्ट में कौन सा वाला दिया था? ये वाला। सेकंड में सेकंड एंड थर्ड, तो तीन क्वेश्चन होमवर्क हो गए। और थर्ड में एक भी नहीं दिया गया। थर्ड में मैं आपको लिखवाता हूँ, नोट करो, फिफ्थ नंबर वो होमवर्क कर लेना आप, है ना। एक ही ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें सारे लो ही लग जाए, है ना। तो क्या लिखूं? लिखो बेटा, 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 2। हार्ड मत दो। अरे इजी दे रहा हूँ यार, हार्ड करने से ही तो सीखोगे। हार्ड क्या होता है? कुछ हार्ड नहीं होता। हार्ड केवल एक चीज होती है दुनिया में, पता है क्या? पत्थर। पत्थर से हार्ड कुछ नहीं होता। 2 क्यूब 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, लिख लो आप, 2 की पावर 4। ट्राई करना इसको घर पर। ये डॉट का मतलब इनटू है ना, डॉट का मतलब इनटू है, इनटू लिख लो या डॉट लिख लो, ठीक है। इसको घर पे ट्राई करना, ठीक है। Yes, sir. तो 4 क्वेश्चन होमवर्क हो गए आज के। चलिए तो आज के लिए काफी है। फिर हम अब कल क्या करेंगे? चैप्टर तो खत्म हो गया, तो कल अपन एक काम करते हैं, आपको एक एक्स्ट्रा डे दे देते हैं, रिजर्व डे, ठीक है। रिजर्व डे में हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 का पूरे का रिविजन होगा। और रिविजन कैसे होगा? मैं नहीं करवाऊंगा, आपको घर से डाउट्स लेके आनी है, यानी पूरे चैप्टर को बैठ के रिवाइज करना है। एंड जो भी डाउट्स हो कल की क्लास में आपको पूछना है, बिकॉज परसों हम क्या करेंगे, चैप्टर का टेस्ट लेंगे। अंश, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो आप चाहो तो टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ना चाहो तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर से तो आपको सारे टेस्ट में पार्टिसिपेट करना ही होगा, बाकी इस चैप्टर में आपको छूट दी जाती है भी, चलो आपने लेट ज्वाइन किया था तो ठीक है। यस सर। हाँ, तो बाकी स्टूडेंट्स एक्सेप्ट अंश, बाकी स्टूडेंट्स इस चैप्टर के जितने भी डाउट्स हैं कल की क्लास में लेके आएंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है श्रेष्ठ। एंड श्रेष्ठ, जो भी आपको पूछना हो तो आप मेरे को वो कर देना, टेलीग्राम पे भेज देना, आपको लिंक पिंक सारी वीडियोस की मैं दे दूंगा। अंश, आप भी मुझसे कोई पुरानी वीडियोस की लिंक लेना चाहते हो तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि वीडियो नहीं मिली इसलिए होमवर्क नहीं किया। दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।